VWIC में मैं अमित कुमार सोनी सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, और जो व्यूअर्स नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें वीडियो को, और पसंद आता है तो लाइक भी करते चलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से जो लेटेस्ट अपडेट होती हैं जिनकी वीडियो मैं बनाता हूं, उनकी जानकारी आप लोगों को कंटिन्यू मिलती रहे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे ज्वलंत प्रश्नों के संबंध में, दो ऐसे मुद्दों के संबंध में जिसने कि शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग एक और दो के अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय काफ़ी परेशान किया है, और जिसकी वजह से हजारों की संख्या में अभ्यर्थी या तो होल्ड पर रखे गए हैं या फिर उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है। तो दोस्तों, उन दो प्रश्नों में पहला प्रश्न है, क्या एक ही सत्र में दो डिग्री मान्य है, और विशेषकर बीएड और पीजी के संदर्भ में। दोस्तों, कई सारे विद्यार्थी हैं जो बीएड कर लेते हैं और साथ ही साथ उनकी पीजी भी चलती रहती है। और दोस्तों, दूसरा प्रश्न आता है, क्या एक ही सत्र में एक डिग्री और एक डिप्लोमा मान्य किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, इनकी क्या कंडीशन है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कौन इसको निर्धारित करता है, और गवर्नमेंट ने किस आदेश के तहत इसको जो है नियमों और विनियमों के प्रावधानों को इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया है, समाहित किया है। दोस्तों, बारी बारी से हम इसके संदर्भ में बात करेंगे। पहला प्रश्न हमारा आता है, क्या एक ही सत्र में दो डिग्रियां मान्य। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं यहीं से। दोस्तों, एक ही समय में दो डिग्रियां मान्य हैं या नहीं, इसके लिए हमको तीन फेजों के बारे में बात यहां पर करना होगा। इससे पहले कि हम तीन फेजों की बात करें जिसमें कि काफी ट्विस्ट और टर्न देखने को मिले हैं, उससे पहले हम ये बात कर लें कि आखिर ये नियम कौन बनाता है, कौन सी ऐसी संस्था है जो इनको रेगुलेट करती है, और गवर्नमेंट भी उसी संस्था के नियमों का शब्द सा अक्षर सा पालन करती है, जो कि समय समय पर सर्कुलर के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं। तो दोस्तों, वह महत्वपूर्ण संस्था है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे हम UGC के नाम से भी जानते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसकी पावर को देखने के बाद में हम बात कर लेते हैं फेजेस की, जहां पर की अलग अलग समय के हिसाब से ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलते हैं एक ही सत्र में दो डिग्रियों की मान्यता के संदर्भ में। पहला है दोस्तों 28 फरवरी 2012 के पहले वाला फेज, जिसे हम फर्स्ट फेज का नाम दे सकते हैं। दूसरा फेज है 28 फरवरी 2012 का फेज, और तीसरा फेज है जो कि अभी तक लागू है, वो स्टार्ट होता है 2016 से। चलिए दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट फेज की बात करें, जो कि 28 फरवरी 2012 से पहले का फेज है। इस फेज में दोस्तों, जो UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उसने सर्कुलर के माध्यम से आदेश जारी किया था कि किसी भी स्थिति में दो डिग्रियां एक ही सत्र में मान्य नहीं की जा सकेंगी। लेकिन विद्यार्थियों के विरोध और बहुत सारे लेटर UGC को इसके संदर्भ में लिखे गए कि भाई क्या प्रॉब्लम है, दो डिग्रियां यदि अलग अलग यूनिवर्सिटी से की जा सकेंगी तो उसको मान्यता दी जानी चाहिए। तो उसके बाद में दोस्तों, काफी कुछ मंथन करने के बाद में और साथ ही साथ काफी कुछ मीटिंग्स के बाद में, हाई प्रोफाइल मीटिंग के साथ में इसका ये निर्णय लिया गया और कि अब जो है डिग्रियां दो कंडीशन में वैलिड मानी जा सकती हैं, और उसके बाद 28 फरवरी 2012 को ये एक सर्कुलर जारी कर दिया गया। अब दोस्तों, इसमें दो कंडीशंस, जैसा कि आप ये सामने देख पा रहे हैं, पहली है कि टू डिग्री थ्रू रेगुलर मोड, क्या ये वैलिड होगी या नहीं होगी। तो यदि दो डिग्रियां हैं और वो रेगुलर मोड में एक ही सत्र में की जा रही हैं, तो वो नॉट वैलिड मानी जाएंगी। और दूसरा पॉइंट है वन डिग्री थ्रो डिस्टेंस एंड वन थ्रो रेगुलर मोड, यानी कि एक जो डिग्री है एक ही समय में दूरस्थ शिक्षा के रूप में, यानी कि डिस्टेंट मोड से, और दूसरी रेगुलर मोड से यदि की जा रही है तो उसको वैलिड मान लिया जाएगा। ये जारी किया गया 28 फरवरी 2012 के सर्कुलर में बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब दोस्तों, इसी के बीच में कुछ ऐसे ट्विस्ट और टर्न आए कि बाद में एक और सर्कुलर जारी किया गया UGC के द्वारा, और वो किया गया 2016 में, और यही जो 2016 है, इसी सर्कुलर को, इसी आदेश को और इसी के निर्देशानुसार गवर्नमेंट काम कर रही है।
तो दोस्तों वो सर्कुलर क्या है तो आपको मैं वो भी बता देता हूँ कि उसमें किस तरह की बात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कही है। देखिए दोस्तों, इसमें सार्वजनिक सूचना के रूप में उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया। विषय था दो डिग्री पाठ्यक्रमों में एक साथ अध्ययन करने संबंधी प्रकरण पर स्पष्टीकरण। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस संदर्भ में विभिन्न सांविधिक निकायों का मत मांगा था और अब तक जिन निकायों ने उत्तर भेजा वे दो डिग्रियों के लिए एक साथ अध्ययन के सुझाव का समर्थन नहीं करते। अतः सभी विश्वविद्यालय अपने डिग्री पाठ्यक्रमों के संचालन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रथम डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करने संबंधी 2003 के विनियमों का पालन करेंगे और जहां कहीं भी आवश्यक होगा सांविधिक निकाय के मानदंडों का पालन भी सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों यहां पर एक बात और निकल करके आती है कि जो 2003 से 2012 तक का जो फेज था वो फेज था फर्स्ट फेज, और ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा ये था 3 फरवरी 2016 का। और दोस्तों इसी के आधार पर जैसा कि बिल्कुल स्पष्ट है कि डिग्री एक ही सत्र में बिल्कुल भी किसी भी स्थिति में मान्य नहीं है, चाहे उसमें एक डिग्री रेगुलर हो और दूसरी दूरस्थ से ही क्यों ना की गई हो। तो दोस्तों डिग्री के संबंध में पूरी कहानी आप लोगों के समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से ट्विस्ट देखे गए, किस प्रकार से टर्न देखे गए यूजीसी के संबंध में, और किस प्रकार से रूल्स एंड रेगुलेशन में समय के साथ साथ परिवर्तन हुए हैं। पर वर्तमान स्थिति में दो डिग्रियां एक ही सत्र में किसी भी स्थिति में मान्य नहीं। चलिए अब हम उठाते हैं दूसरा प्रश्न, क्या एक ही सत्र में एक डिग्री और एक डिप्लोमा मान्य है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसके संबंध में कोई भी बात नहीं करता। वह डिप्लोमा के संबंध में ना तो ये कहता है कि इसको वैलिड माना जाएगा या फिर इसको इनवैलिड माना जाएगा। तो इससे जो है फायदा ये उठाया गया कि एक ही सत्र में एक डिग्री और डिप्लोमा मान्य है, वो भी किस कंडीशन में कि जब कोई भी एक चीज दूरस्थ शिक्षा के साथ की गई हो, डिस्टेंस मोड से की गई हो। तो आइए दोस्तों इसके साथ में एक और चीज जोड़ सकते हैं, वो है सर्टिफिकेट कोर्स। तो इसमें क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या कॉम्बिनेशन है, उसके बारे में भी हम बात कर लें कि किस स्थिति में डिग्री और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स, डिग्री और सर्टिफिकेट कोर्स आपस में एक कॉम्बिनेशन के रूप में मान्य है। तो दोस्तों जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि 8 जून 2012 को डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल ने अपनी 40वीं मीटिंग की और वहां पर जो अप्रूव्ड किया है डिग्री डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के संबंध में, उनके कॉम्बिनेशन के संबंध में, तो वह पूरे दिशा निर्देश कुछ इस प्रकार से हैं। 2 डिग्री प्रोग्राम कैन नॉट बी अलॉट टू बी परस्यूड साइमल्टेनियसली, हाउएवर स्टूडेंट्स कैन परसू 2 प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली through distance mode or combination distance and regular modes from the same or different universities athwa institutions in various combination। ab jo combination unhone bataye hain wo hain 1 degree and 1 diploma, pg diploma or certificate। dusra combination hai 1 pg diploma and 1 diploma certificate। teesra combination hai 1 diploma and 1 certificate। fourth hai 2 pg diplomas, 5 है 2 डिप्लोमास, 6 है 2 सर्टिफिकेट कोर्सेज। तो दोस्तों इनमें किसी भी एक का डिस्टेंस मोड पर होना जरूरी है या फिर दोनों का डिस्टेंस मोड पर होना जरूरी है तभी ये मान्य किया जाएगा। लेकिन इस मीटिंग में जो मीटिंग की गई थी, जो 40वीं मीटिंग थी, उस मीटिंग में कहीं पर भी एक ही साथ डिग्री के बारे में कोई मान्यता की बात नहीं की गई है। तो दोस्तों बिल्कुल स्पष्ट है कि जो 2016 का जो सर्कुलर है उसको ही गवर्नमेंट मान्य चल कर रही है और इसके अनुसार दो डिग्रियां किसी भी स्थिति में वैलिड नहीं मानी जाएंगी और यही कारण रहा है कि प्रकरणों को या तो होल्ड पर रखा जा रहा है या फिर उनको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये एक जानकारी थी, अब आप सभी कुछ इसके बारे में समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।